बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन, तीनों कानूनों की वापसी और आगे की रणनीति को लेकर फर्स्ट इंडिया के संवाददाता अश्विनी से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानून वापस ले लिए हैं। सर, हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। सर, क्या आज मीटिंग होनी, सबसे बड़ी अपडेट जो होनी है, आज मीटिंग होनी है सिंधु बॉर्डर पर, कितने लोग उसमें शामिल होंगे, किन मुद्दों पर बातचीत उसमें होनी है? उसमें तो काफी लोग उसमें शामिल होंगे। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर बातचीत? ये तो सारे इशू रहेंगे उसमें। अभी अभी क्या हो रहा है कि आपने MSP की बात की है, तीन कानून तो वापस हो गए हैं, तो क्या जब तक MSP पे बात नहीं होगी तब तक हम वापस नहीं जाएंगे? वो आज तय करेंगे, वहाँ पे जो कमेटी है आज वहाँ पे सिंघु बॉर्डर पे, तो वो तय करेंगे। आपने कहा किसानों पर मुकदमे हैं, पराली जलाने के मामले, सारे मामले हैं ना, वो बातचीत से समाधान होगा। अच्छा, क्या इस बात से तो खुश हैं सब लोग, सारे किसान खुश हैं कि तीन कानून वापस ले लीजिए? बड़ी मांग। हाँ, बड़ी मांग थी। अब क्या करने वाले हैं कि तीनों जब कानून वापस हो गए हैं तो क्या MSP और बाकी चीजों के लिए हम सड़क पर उसमें आज बातचीत करेंगे हम उसमें? ये जो हृदय परिवर्तन आपको लगता है प्रधानमंत्री का, आप इसको संदेह की नजर से देख रहे हैं? हाँ, संदेह की नजर से देख रहे हैं। क्या कारण? संदेह की नजर से क्या कारण? मीठी मीठी बात करी, शहर से भी मीठी बात करी। हाँ, लगता है कि मीठी बात में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मीठी बात में। क्या अंदेशा हो सकता है कि क्या नई चीज लाने वाले हैं? और बहुत मामले हैं, उनको लेकर आना चाहते हैं। नहीं, एक बात ये लगातार कही जा रही थी कि कुछ तो पंजाब के किसान हैं, कुछ यूपी के किसान हैं, बस इनको दिक्कत है। हाँ, कम किसान बताए उन्होंने। पर अब कल भी पूरे देश से ही क्यों हटा दिया गया? हाँ, कम लोग बता रहे थे। अभी कितने बजे मीटिंग है? अभी तो 11 बजे से चल रही मीटिंग। नहीं, जो सिंधु बॉर्डर मीटिंग होनी है 11 बजे से चल रही है। देखिए, सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग शुरू हो गई है, राकेश टिकैत खुद उसमें शामिल होने जाएंगे। जो किसान संगठन हैं अलग अलग देश भर के, जो किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं, उन सब के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होकर आगे की रणनीति बनाएंगे। राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि 22 तारीख को जो लखनऊ में मीटिंग होनी थी, एक महापंचायत बुलाई गई थी, वो महापंचायत अब भी बुलाई गई है, हालांकि उस पर फैसला होना बाकी है कि अब वो महापंचायत रहेगी, कितने लोग उसमें शामिल होंगे, कहां कहां के लोगों को बुलाया जाएगा। आज सिंधु बॉर्डर पर होने वाली बैठक में तय हो जाएगा कि आगे किसान कौन कौन से मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री की उस समिति से, सरकार की उस समिति से बातचीत करेंगे, और MSP समेत जो दूसरी मांगों की बात लगातार किसान अब कर रहे हैं तीन कानून वापस लेने के बाद, उनको लेकर बातचीत होगी। और एक कमेटी बनाने की बात राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए, जो बाकी इश्यूज हैं उस पर कमेटी बनाकर बातचीत हो ताकि अब एक रास्ता निकले। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अश्विनी यादव, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।